नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मोशन ऑफ द कर्व. ओके ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एफ सी होता है रिक्वायर्ड होता है कर्व पाथ के लिए. बिल्कुल सही बात है. एम बी स्क्वायर बाई आर. रीजन में देखते हैं. ऑन द बैंकिंग कर्व वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्ट प्रोवाइड टू द नॉर्मल नहीं रिएक्ट करता है. लाइक ये देखो, ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे नॉर्मल, और ये सेंट्रीफ्यूगल ए वाला जो फोर्स होता है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. तो नॉर्मल फोर्स क्या बोल रहा है, नॉर्मल रिएक्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, नॉर्मल ऑलवेज नहीं होता. टोटल फोर्स रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट. अगर सपोज करो जिस पे एन और एम जी भी लग रहा है, इस ब्लॉक पे नीचे एम जी भी लग रहा है, तो उस केस में एन माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. तो ओनली नॉर्मल सफिशियंट नहीं है, टोटल फोर्स उस पॉइंट पे एक्ट करेंगे वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर. मतलब रीजन सफिशियंट नहीं है. मतलब हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन द रीजन इज ट्रू बट सॉरी एसर्शन इज ट्रू बट रीजन फॉल्स है. ओके, रीजन गलत है भाई, ऐसा नहीं होगा. ओके चलो, थैंक यू.